नगर परिषद मंडी द्वारा घर घर में कूड़ा उठाने की मुहिम को पूर्ण रूप से कामयाब बनाने की गरज से शनिवार को नगर परिषद के पार्षदों, वार्ड समिति के सदस्यों सहित तहसीलदार, सदर एवं कार्यकारी अधिकारी अजय पराशर ने सुबह खलियार वार्ड का दौरा किया। इस वार्ड में घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा किया और इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आज नगर परिषद मंडी के सभी पार्षदों ने और उनके साथ हमारा जो सैनिटेशन का स्टाफ है, उन्होंने वार्ड नंबर 1 खलियार से जो डोर टू डोर कलेक्शन है, इसकी इंफॉर्मेशन कैंपेन के लिए खलियार के वार्ड मेंबर के साथ मिल के आज हमने सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे से डोर टू डोर जाने का अभियान शुरू किया। आज जो हमारी ये विजिट थी खलियार की, ये 3 उद्देश्यों को लेके थी। सबसे पहला तो जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन है उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। तो MC मंडी के सभी काउंसलर्स ने और हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना नगर परिषद लोगों के घर द्वार जाए और वहाँ उनको प्रेरित करे। यहाँ पे हमारा उद्देश्य बहुत स्ट्रेट है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन को लेके। जो गार्बेज है उसकी जो सेग्रीगेशन है वो 90% एट सोर्स होती है और वहीं पे होनी चाहिए। जो हमने मेगा टेंडर किया है उसके तहत वार्ड नंबर 1 जो कि खलियार है, काफ़ी फैला हुआ वार्ड है ये, इसको हमने 7 बीट में डिवाइड किया है। तो जो 7 हमारे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर हैं वो करीब करीब एवरेज 100 घरों में जाएंगे पर पर्सन। और इसके साथ में हमने जो बिजनी है उसको भी अपनी 7th बीट बनाया, और जो कटौड़ा रोड है टिल IPH के रेस्ट हाउस तक उसको हमने अपनी 6th बीट बनाया। लोगों के घरों में गए, हमारा जो गार्बेज कलेक्टर है उसने वाइट कलर की कैप, साथ में उसका जो आइडेंटिटी कार्ड है जो हमने इशू किया हुआ है वो उसके गले में पहना हुआ तथा साथ में विसल, वो विसल ब्लो करेगा और वो एक तरह का साइनेज होगा। साथ में हमारी गाड़ी भी रहती है, कई जगह गाड़ी नहीं जा पाती, उसके ऊपर भी हमने डिफरेंट किस्म के स्लोगन जो हैं MC ने जो बनाए हैं वो चलाए जाते हैं। तो आज हमारा बेसिक उद्देश्य यही था, लोगों को ये बताना वहाँ पे कि वो गार्बेज जो है जो MC का गार्बेज कलेक्टर है उसको दें, तथा हमारा जो गार्बेज कलेक्टर है उसकी भी हमने एक तरह से ट्रेनिंग करवाई फील्ड में कि जो लोग उसको गार्बेज दे रहे हैं, जो उसके पास 2 थैले हैं बहुत बड़े बड़े जिसमें एक में उसने बायोडिग्रेडेबल डालना है, एक में उसने 9 नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको कि गीला और सूखा कूड़ा कहते हैं कॉमन पार्लेंस में। और जो दूसरा हमारा उद्देश्य था कि इस वार्ड में जो रोड्स हैं तथा गलियां हैं उनकी जो रिपेयर होनी थी और नालियों की रिपेयर थी उस सब का हमने मुआयना किया और उसका हम एस्टिमेट बना रहे हैं बहुत जल्द। जैसे जनरल हाउस ने डिसाइड किया है कि जैसे ही हमारी ये जनरल हाउस की प्रोसीडिंग साइन होती है, आज ही वो पुटअप कर दी गई है, जैसे वो साइन होके आती है तो तुरंत ये हम पूरे शहर में वार्ड वाइज रिपेयर का कार्य शुरू कर देंगे। उसका भी मैं ये चाह रहा था, शायद पहली बार ऐसा हमने निर्णय लिया कि जो नगर परिषद के काउंसलर हैं, जो जनरल हाउस है वो जनरल हाउस कमेटी एट योर डोरस्टेप, जो म्यूनिसिपल कमेटी है वो जाए हर एक वार्ड के अंदर, वो निर्णय ले, वो वहाँ पे देखे कि कौन सा रास्ता ठीक होना है, कौन सी नाली ठीक होनी है, और उसी निर्णय के आधार के ऊपर जो है शहर के अंदर कार्य किए जाए। इसके अलावा जो तीसरा हमारा इसमें उद्देश्य था कि जो वहाँ नई डेवलपमेंट होनी है, नए कार्य होने हैं वार्ड में, हमने उन सभी कार्यों को देखा तथा जो 3 हमने प्रायोरिटीज ली हैं उनके एस्टिमेट हम तैयार कर रहे हैं, सभी पार्षदों ने भी उसका मुआयना किया। और यहाँ पे मैं पूरे शहर से भी और खलियार से मैं रहने वाले लोगों से जो वार्ड नंबर 1 है ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे कि आप गार्बेज कहीं फेंकें। गार्बेज आपको कंपल्सरी हमें देना होगा, जो हमारा कलेक्टर आएगा पीछे
कुछ समस्याएं रहीं, क्योंकि हमारे पास जो 70-80 लोग थे वही क्लीनिंग करते थे, वही स्वीपिंग करते थे, और तीसरा हमने उनके ऊपर एडिशनल काम दिया हुआ था डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का, तो कहीं उसमें कमी थी लोगों की। अब जब जब से हमने ये अपना टेंडर कर दिया हुआ है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का, तो जो क्लीनिंग स्वीपिंग वाले 7 लोग हैं खलियार में, वो अलग से सफाई करेंगे। उनका काम होगा झाड़ू देना, क्लीनिंग करना, नालियां साफ करना, इन 7 बीट की, और 7 अलग लोग हैं जो डोर टू डोर गार्बेज इसमें कलेक्ट करेंगे। तो अब कहीं भी अगर गंदगी फैली होगी तो इसमें 3 लोग जिम्मेवार हो सकते हैं, या तो वो घर वाला जिसने गार्बेज नहीं दिया होगा, या क्लीनिंग स्वीपिंग वाला, या तीसरा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन वाला। अगर हमारे कर्मचारियों को लेके किसी भी तरह की समस्या है तो हमारे ऑफिस में संपर्क किया जा सकता है, मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पे संपर्क करें कोई भी कंप्लेंट हो, या फिर जो रिस्पेक्टिव वार्ड मेंबर है उसको अप्रोच करें, जो वार्ड कमेटी हमने बनाई हुई है वार्ड कमेटी के मेंबर से संपर्क करें। और आज सुबह मुझे ये देख के बहुत प्रसन्नता हुई, जो खलियार में वार्ड कमेटीज़ के मेंबर थे वो लगभग सारे वहाँ मौजूद थे। मंडी का बेहद खूबसूरत एरिया है खलियार का, और शायद इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, तो अब वहाँ जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं उनको हम दूर करेंगे। और कहीं भी कोई फ्लॉ रहता है तो कोई भी नगर परिषद में संपर्क करें, हमसे संपर्क करें, लेकिन अब जो हमारी हमने एक मुहिम बना ली है कि देयर विल बी ज़ीरो वेस्टेज, कि शहर में हम कहीं भी टॉयलेट नहीं करेंगे, और खलियार में तो पर्टिकुलरली अब अगर कहीं मेरे को या हमारे किसी कर्मचारी को कोई व्यक्ति कूड़ा यहाँ वहाँ फेंकते पाया गया तो हम बहुत स्ट्रिक्टली उनका चलान करेंगे। और औचक निरीक्षण भी मैं सभी वार्ड का करता रहूँगा, और कल जो है सुबह 6 बजे मैं वार्ड नंबर जो 8 है वहाँ का हम निरीक्षण करेंगे, वहाँ के वार्ड कमेटी के मेंबर्स के साथ, वार्ड मेंबर के साथ, और जितने भी हमारे पार्षद हैं वो खुद हर एक वार्ड में जा रहे हैं, ताकि जो वहाँ समस्या है लोगों की किस तरह से कमेटी उनको दूर कर सके। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि वो हमारी ये जो ज़ीरो वेस्टेज वाली स्कीम है इसको सफल बनाने में कमेटी का हमारा सहयोग करे, ताकि हम एक स्वच्छ मॉडल यहाँ नगर परिषद मंडी शहर को बना सकें। और यहाँ मैं अपील भी करना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ लोगों से कि जो गार्बेज के बदले में 50 रुपये चार्ज किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ कमेटी का सुपरवाइज़र लेगा। उसने प्रॉपर ड्रेस पहनी होगी, उसके हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी। अगर किसी को किसी भी शहरवासी को संदेह होता है कि वो है कि नहीं, कि ये सुपरवाइज़र नहीं है, तो वो उसे मांग करेगी वो अपना आई कार्ड दिखाए। कोई भी समस्या उनसे रिलेटेड हो तो हमें कमेटी में हमसे संपर्क करें, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये 50 रुपये दें, और 50 रुपये देने की एवज में उनसे जो इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट जो जनरेट की जाएगी वो ज़रूर उनसे लें। बगैर रिसिप्ट के किसी को भी ये 50 रुपीज़ नहीं दें।